जीत लिए। संजू सैमसन की टीम जिस तरीके से आईपीएल 2024 में चल रही है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी टीमों को संजू सैमसन की टीम धूल चटा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तारीफ हो रही है संजू सैमसन की। अब यह कहा जा रहा है कि आखिर 2024 में राजस्थान ने ऐसा क्या बदल दिया, संजू सैमसन ने ऐसा कौन सा बदलाव कर दिया, संजू सैमसन ने ऐसी कौन सी नई तकनीक अपनाई है जिसके दम पर राजस्थान की टीम 2024 में सबसे मजबूत टीमों में से एक नजर आ रही है। यह कहा जा रहा है कि राजस्थान की टीम इस बार वो काम कर रही है जो साल 2008 में शेन वॉन ने किया था। यह कहा जा रहा है कि राजस्थान की टीम इस बार वो इतिहास रच सकती है जो साल 2008 में शेन वॉन की टीम ने रचा था। इस बार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की टीम चैंपियन टीम है। इस बार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की टीम 2022 की तरह दोबारा से फाइनल में पहुंचेगी। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि संजू सैमसन ने अपनी टीम का पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बदल दिया, खेलने का तरीका बदल दिया, खिलाड़ियों का इस्तेमाल करने का हिसाब किताब बदल दिया, ये बात कही जा रही है। अब इसमें तीन चीजें सामने आई हैं। अभी शुरुआत के जो मैचेज हैं उन मैचों को अगर हम देखें तो तीन चीजें सबसे अहम है जो सामने आई है, जिन्होंने राजस्थान की टीम को एकदम से अलग कर दिया है, एकदम से बदल दिया है। सबसे पहली चीज यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर के ऊपर अब राजस्थान की टीम निर्भर नहीं है। पहले राजस्थान की टीम यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर पर निर्भर रहती थी। इन दोनों ने रन बना दिए तो ठीक है, वरना निचले क्रम के बल्लेबाज उस तरीके से मैच को फिनिश नहीं कर पाते थे। ये चीजें बदल गई हैं। आप शुरुआती जितने भी मैचेज हुए हैं उन मैचेज में राजस्थान की टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो राजस्थान की टीम क्या है, यह बनती जा रही है कि आपके सारे बल्लेबाज आपको सहयोग करेंगे। नंबर एक बात राजस्थान की टीम में मुझे इस बार बदली हुई नजर आ रही है। नंबर दो बात यह है कि संजू सैमसन ने खिलाड़ियों पर भरोसा किया, जैसे रियान पराग का इस्तेमाल पहले उतना बेहतर नहीं होता था, निचले क्रम पर उनको खिलाया जाता था, उनका किरदार फिनिशर का होता था। अब रियान पराग को थोड़ा सा प्रमोट किया गया, आपने देखा है रियान पराग ऊपर आ रहे हैं, रियान पराग को थोड़ा सा मैच्योर बनाया गया है, उन्हें समझाया गया है कि भाई साहब आप खिलाड़ी 10 गेंदों के नहीं है, आपको पूरी 50-60 गेंदें खेलनी है, आपको मैच फिनिश करके जाना है, आपको मैच जिताना है। ये बातें रियान पराग को बोली गई, उसका असर भी नजर आ रहा है। रियान पराग मैच को फिनिश करके जा रहे हैं। शुरुआत के तीनों मैचेस में रियान पराग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मैच को फिनिश किया और राजस्थान की जीत में अहम योगदान निभाया। तो ये एक जो बदलाव हुआ है रियान पराग के ऊपर भरोसा जताना, ये राजस्थान के लिए कारगर साबित हो रहा है और बेहतर नजर आ रहा है। रियान पराग इस वक्त ना केवल मैच विनर नजर आ रहे हैं बल्कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक ऊपर नजर आ रहा है और बेहतर नजर आ रहा है। और राजस्थान की टीम की जीत का सबसे बड़ा कारण रियान पराग का बेहतर प्रदर्शन करना है। उसके बाद में आपने देखा होगा अश्विन को प्रमोशन दिया जा रहा है। अश्विन मैच्योरिटी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, अश्विन बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हेटमायर का उतना बेहतर प्रदर्शन मुझे साल अभी तक के तीनों मैचेस में नजर नहीं आया, लेकिन अश्विन मुझे मैच्योर नजर आ रहे हैं। जैसे आप जो पहला मुकाबला था जब रियान पराग ने अच्छे रन बनाए थे, जब राजस्थान की टीम मुश्किल में थी, अश्विन ने आकर 3 छक्के मार दिए थे, उससे मोमेंटम मिल गया राजस्थान को, रियान पराग ने तूफानी पारी खेल दी। उसी तरीके से तीसरे मुकाबले में मुंबई के खिलाफ अश्विन ने आकर एक मैच्योरिटी वाली पारी खेली, मतलब राजस्थान की जीत में अहम योगदान निभाया। जब विकेट गिर चुके थे अश्विन ने रियान पराग के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की। तो ये जो चीजें नजर आ रही है, उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, यजुवेंद्र चहल अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में आकर विकेट चटका रहे हैं, यजुवेंद्र चहल बीच के ओवर्स में आकर बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। तो ये जो चीजें नजर आ रही है, मतलब हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, हर खिलाड़ी मैच्योरिटी के साथ खेल रहा है, हर खिलाड़ी ये कसम खाकर बैठा है कि अब की बार राजस्थान को चैंपियन बनाना है। तो अगर किसी टीम के हर मैच में हर अलग अलग खिलाड़ी मैच विनर साबित होगा तो जाहिर तौर पर उस टीम को कोई नहीं रोक सकता, वो टीम 100% चैंपियन बनेगी। यही बात राजस्थान की टीम में इस बार मुझे नजर आ रही है कि इस बार राजस्थान की टीम कसम खाकर आई है कि चैंपियन बन के जाना है। आपका राजस्थान की टीम के इस रणनीति पर, इस खेल पर, रियान पराग पर, अश्विन पर, ट्रेंट बोल्ट पर, चहल पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है इस बार राजस्थान की टीम चैंपियन बन जाएगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपडेट इस तरह के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।